समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज मुरादाबाद पहुंचकर सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने सपा कार्यालय पहुंचकर छात्र सभा से जुड़े कार्यकर्ताओं से मीटिंग की और उन्हें पार्टी की नीतियों के विषय में बताया। उसके बाद दिग्विजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार बदले की राजनीति के तहत दमनकारी नीति अपना रही है। पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिवार की वर्तमान स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में बोले कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तब से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सरकार बनते ही PHU में योगी पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर उनके साथ अभद्रता की और आज भी किसी भी वर्ग का छात्र हो उसे डंडे की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ये सरकार दमनकारी है, तभी तो आजम खान और उनके परिवार के साथ साजिशन इतने मुकदमे लादे गए हैं। और जहां तक दिल्ली दंगों की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रदेश के खिलाफ जो भी काम करें उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। वो अपनी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर छात्र सभा से जुड़े युवाओं से मिलकर उनकी समस्याएं हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज यहाँ पर मुरादाबाद आए हैं, यहाँ पार्टी कार्यालय पर किस उद्देश्य से लेकर क्या मीटिंग की गई थी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश से और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी के दिशा निर्देशन में इस हम सभी जो अध्यक्ष हैं, तीन जो वर्तमान अध्यक्ष और एक महम, हमें इन लोगों को जिम्मेदारी मिली है कि जिले तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर जो छात्र और नौजवान हैं और जो उनके हालात हैं, जो जो महंगी फीस से प्रताड़ित हैं, फीस ना जमा होने से प्रताड़ित हैं, स्कॉलरशिप ना मिलने से जो समस्या में हैं, या और तरह की समस्याएं नौजवानों की हैं, बेरोजगारी की जो समस्या है, और जिस तरह से नौजवानों को उनका हक मांगने पर उनके साथ उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, इस तरह की सभी बातों को लेकर और ख़ासकर जहाँ दलित छात्रों के साथ बुरा हाल है उनका और वो जहाँ जो सरकारी हॉस्टल्स हैं उनके बुरे हाल हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम छात्रों के और नौजवानों के बीच जिले जिले जा रहे हैं और उनकी हालचाल ले रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि छात्रों नौजवानों के साथ कौन सी दिक्कत है। उसके साथ समाजवादी पार्टी के जो यूथ फ्रंटल के जो जितने संगठन हैं उनकी भी समीक्षा हो रही है कि संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं और भविष्य में नए संगठन कैसे बनाने हैं और किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना है। जिस तरह से आजम खां को जेल में है और उनका एक बयान आया है कि उनके साथ जेल में आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनके ही साथ क्यों, शुरुआत से ही आजम खां साहब तो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, बड़े पदों पर रहे, एक आम छात्र के साथ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आपने देखा, ये सिलसिला यहाँ से थोड़ी सरकार बनते ही BHU में जब छात्राएं मामूली सी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी रास्ता बदल कर चले जाते हैं और शाम को उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। हालात ये हैं कि हॉस्टलों में घुसकर हमारी जो बहनें थीं उनको मारा पीटा नहीं जाता, जबकि पुरुष कांस्टेबल उनके हॉस्टलों में घुसकर उनकी अस्मिता के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। तो जब आम छात्र नौजवानों का ये हाल है, कोई BTC का हक मांगने को चला गया लाठी मिल गई, कोई छात्र मित्र जो अपना हक मांगने चला गया वो उसको लाठी मिल गई, कोई शिक्षा मित्र हक मांगने चला गया उसको लाठी मिल गई, या जो उर्दू शिक्षक मांगने चला गया उसको लाठी मिल गई, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता चली गई उसको लाठी मिल गई, या कोई नौजवान अगर छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर उसने अगर धरना प्रदर्शन किया तो उन्हें लाठियों से पीटा गया। किसानों को आपने देखा लाठियों से पीटा गया, नौजवानों को लाठी से पीटा गया, गरीबों को दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ, व्यापारियों के साथ कितना अत्याचार हुआ। तो फिर जब आम आदमी इस तरह प्रताड़ित है तो फिर नेता आजम खां साहब के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अपेक्षित है उन्हें करना ही है अपने विपक्षी दलों के साथ, वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद ना कर पाए। अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें कपिल शर्मा का एक बयान आया जिसके बाद दंगा हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी का शुरू से ये कहना है आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की शुरू से एक बात है कि जो भी देश और एकता और अखंडता के खिलाफ है और जो इसे तोड़ना चाहता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी भी जात का हो, या किसी भी ओहदे पर हो। अगर उसने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।